ब्लॉग और आज है शादी। तो अभी मॉर्निंग में हुआ था मटकोरा एंड देन उसके बाद हुआ था शादी और अभी हम कर रहे हैं लाइक प्रिपरेशन चल रही है हमारे। हम जा रहे पार्लर वाले बोले ये सब मेरी बुआ ने किया। गाइस मैं क्या बताऊँ मैं आपको, बात ठीक है कोई बात नहीं, लाइक हमारी तरह से इंजॉयमेंट होता है तो अच्छी बात है, लाइक मज़ा भी आ रहा है बहुत क्योंकि पहली बार हमारे गाँव में, मतलब मेरे घर पर पहली बार ऐसे गाँव की शादी हुई है तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, ब्यूटीफुल वाला फील है। एंड अभी मैं जा रही हूँ पार्लर वाली को लेने तो या प्लेट सी आगे की क्लिप्स आप पूरा देख लो क्या कैसे हमने मॉर्निंग से क्या क्या किया था, अच्छा था। स्वागत है आपको मेरे घर पे, मेरा घर मतलब दुल्हन का घर। यहाँ हो रही है भोजन की तैयारी, जैसे कि आप लोगों को पता है आज है रात को शादी और एक साइड पे स्टेज बन रहा है जहाँ पे पूरे फंक्शंस होने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा हमारा घर है जिसके सामने स्टेज एंड ऑल सब बन रहा है। चलो अब आ जाते हैं हमारे जीजू के घर पे। यहाँ पे हमारे जीजू के घर से बारात निकल रही है तो हमारे इधर ना ऐसा होता है कि लाइक मतलब डांस करने के लिए ऑर्केस्ट्रा या मतलब ऐसे बोलते ना ढोल बैंड ये सब मंगाते हैं। तो बेसिकली मेरे जीजू के घर पे बुलाया गया था ऑर्केस्ट्रा और ये सब उनके मामा हैं जो इतने खुशी से डांस कर रहे हैं, उनके पहले भांजे का शादी है तो नाचना तो बनता है। तो मामा जी नाच लो नाच लो, अच्छी बात है। अच्छा लगा मुझे देख के कि उनके घर पे इतना सब इंजॉय कर रहे थे और मैं भी देख रही थी कि वो इतने फुल मस्त एकदम फुटस करके डांस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब आ गए मौसी जी। मौसी जी भी इतना अच्छा डांस करती है, मैं तो मौसी जी के साथ एक बार तो डांस जरूर करूंगी। मौसी जी एक बार आपको मेरे साथ डांस करना ही करना है, तो आप लोग ये डांस एंजॉय कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जयमाला होने के बाद अब सब आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर आ रहे थे। अब ये है हमारी तरफ का डांस। अरे मेरे घर का आंगन जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा रहेगा, अरे यहाँ पे अब पूरे आगे के फंक्शन स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हो गया सिंदूर जो ये होता है वो, या जो भी मंगलसूत्र डालना, ये सब हमारे घर के आंगन में होता है। और अब लो ये आपका फेवरेट पार्ट, किस शादी में चीज़ें नहीं होती। ये मेरे जीजू के घर वाले वो उनके दोस्त और सब डांस कर रहे थे, और देखो मैं वहाँ कोने में कहीं दिख रही हूँ, मेरे जीजू का हाथ पकड़ के डांस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जीजू मुझे डांस करा रहे थे। तो हम डांस कर रहे थे और ये उनके सब भाई लोग और उनके दोस्त लोग जो डांस कर रहे थे। पता नहीं किसी को डांस आता भी है नहीं आता, नो वन कैन डू बेटर डांस देन मी। ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया हमने। नाउ यू एंजॉय दिस। लड़का अच्छा लगा हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जरूर उसे कपड़े के कलर के और जो बता सकते हो बता देना, मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगी कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे, जो भी इन्फॉर्मेशन जो होता है मैं सब प्रोवाइड कर दूंगी। आप टेंशन ना लो और बता देना कोई अच्छा लग गया तो। ठीक है आंगन में ये सब चीज़ें होती है, तो वो मेरे आंगन में होगा। अभी मेरा भाई जो है, मतलब मेरी बहन को वो सात फेरे जो बोलते हैं ना, वो हमारे आंगन में ही लगाया जाता है, तो वो अभी मेरी बहन को सात फेरे ले रही है, जो सेवन वचन या कस्में होती है वो सब चल रहा है। तो हैट्स ऑफ जो शादी करता है गाइस, बहुत ज़्यादा हिम्मत है आप लोग में शादी करते हो, एंड गॉड ब्लेस यू पीपल। और अब देखो ये रहे बाराती वाले, मतलब इनको तो कहीं बाराती वाले हमारे घर देखो, ये नहीं समझ में आता कि हम किसी के घर आए और ये बाराती। अब ये मॉर्निंग का सीन है, और जो यूपी बिहार वाले होंगे ना उनको ये पता होगा, जैसे कि अभी मॉर्निंग में क्या होता है ना कि जो लड़के वाले होते हैं ना वो हमारे घर वाले के लिए साड़ी लेकर आते हैं, और हम आरे साइड से हम उनके घर वालों के लिए साड़ी भिजवाते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरी मामी है ना, मेरे मामा को लाइक वो एक मस्ती वाला ये सेशन है, यहाँ पे थोड़ा मस्ती वस्ती होता है, तो हम थोड़ा उन सबको गंदा करते हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट चलता है। अभी मेरे जीजू बोले कि आपने आँख में कुछ तो लगा दिया, मेरी मामी बोलती नहीं मैंने नहीं लगाया। हेलो सर जी एवरीवन। और ये है मेरा भाई, मेरे बुआ का सर। हमने अभी जो रस्में होती है ना दुल्हन जाने के बाद होती है, मतलब जो हमारी देवी होती है ना, कुल देवी होती है जिसे हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो मेरी मम्मी उनकी ही पूजा कर रही है, यहाँ पे थोड़ी गांव की औरतें आ गई है, बिकॉज वो इसमें सब कुछ होता है। मेरी मम्मा ने प्रसाद बनाया था, तो सबको मम्मा प्रसाद देंगी और फिर ये फंक्शन यहाँ पर वो ख़त्म कर देंगी। नाउ वेलकम टू माई जीजूज हाउस। ये मेरे जीजू का घर है, यहाँ पे उन लोग पी रहे हैं ताड़ी, जो गांव में रहेगा उनको पता रहेगा ताड़ी क्या होता है। वो अब निकल चुके हैं मॉर्निंग सफ़र पे, क्योंकि इनको गांव में भी तो थोड़ा घूमना फिरना है, उनके दोस्तों को घूमना फिरना था, तो वो अपना गांव थोड़ा उनको एक्सप्लोर करवा रहे थे। तो इसी साथ साथ आप भी उनका गांव एक्सप्लोर कर लो। मैंने तो उनके गांव कभी गई नहीं हूँ, बस यही वीडियो में देख ले रही हूँ क्या कैसा है। ये बता रहे कि इधर मेरा खेत है, ये गाँव है, ये घर है, तो ठीक है यही सब है इनका बताने का। अब आ जाते हैं हमारे जीजू के घर पे। ये है उनका बॉम्बे वाला घर। अभी बॉम्बे वाले घर में मेरी दीदी और मेरी जीजू गए हुए हैं केदारनाथ, अभी उन लोग वहाँ से रिटर्न आ जाने वाले, तो उनके देवर लोग मिलके उनका बेडरूम सजा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी मेहनत कर रहे हैं इन लोग। बाय द वे डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा किया था इन लोग ने, तो गुड, वेरी गुड। बट मुझे नहीं बुलाया था, इस चीज़ का दुख है मुझे, बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरी दीदी को बहुत अच्छा लगा था।
तो आप लोग को इससे कुछ आइडिया मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी अपने घर पे यूज़ कर सकते हो। इफ आपके घर पे कोई न्यू मैरिड कपल आ रहा है या कोई फंक्शन है या किसी को सरप्राइज देना है तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो आप उनका टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो फाइनली अब आ जाते हैं मेरे दियो जीजू अपने घर पे। अभी मेरे दियो जीजू का मुंह देख के आपको लग रहा रहेगा कि उन लोग कितने टायर्ड है। तो ऑफ कोर्स उन लोग टायर्ड है बिकॉज इनका जो ट्रिप था ना वो उन लोग गए थे केदारनाथ, और केदारनाथ में लोग इतना ज़्यादा थक गए थे बिकॉज उस टाइम पे वहाँ पे बारिश वारिश बहुत कुछ हो गया था। तो कोई बात नहीं, बट फंक्शन है तो उनको ये फंक्शन भी करना ज़रूरी है। तो अभी हो रही है मेरी दीदी की वेलकम, तो आप लोग ये इंजॉय करो। फैमिली फाइनली देसी शादी व्लॉग होता है खत्म यहाँ पे, और होप आप लोग को वीडियोस अच्छी लगी हो और इसके सब पर प्लीज आके चेक करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। लव।